व्यूअर्स, क्या हो अगर आपको ऐसा कमरा मिले जिसमें आप कुछ भी सोचोगे तो वो सच हो जाएगा। ये जो कपल आपको दिख रहा है, ये कपल पैसों से लेकर डायमंड्स तक बहुत सारी चीजें मांगते हैं और वो उन्हें मिल भी जाती है, पर उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ एक ट्रैप है जो कि वो रूम ने ही क्रिएट किया है। लेकिन क्या वो उसमें फंस पाएंगे, चलिए जानते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम केट होता है और वो अपने पति मैट के साथ एक नए रूम में शिफ्ट हो रही थी। वो लोग इस नए रूम में शिफ्ट होके काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन लोगों ने ये रूम लेने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी और वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन दोनों के पास कोई भी जॉब नहीं थी और वो लोग जॉब सर्च करते रहते हैं। मैट एक बहुत अच्छा पेंटर बनना चाहता था। जब वो लोग अपने नए रूम में आते हैं तब वो सामान को इधर उधर करने लगते हैं। केट घर के पुराने सामान को बाहर फेंकते रहती है ताकि घर साफ सुथरा रहे। मैट भी उसकी इस काम में मदद करता है और वो लोग ये सब काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। मैट जब रूम साफ करता रहता है तो उसे अजीब तरीके की चाबी दिखती है, पर उसे पता नहीं था कि ये क्या है, इसलिए वो उसे भी बाहर फेंक देता है। जब मैट साफ सफाई के लिए आगे जाता रहता है तब उसे एक दीवार दिखती है और वो उस दीवार पे अलग टाइप का लॉक देखता है और उसे पता चलता है कि उसने जो चाबी फेंकी थी वो इसमें आ सकती है। इसलिए वो चाबी ढूंढने चला जाता है और चाबी ढूंढ कर उस कमरे का लॉक खोलता है। वो केटी को भी ये देखने के लिए बुलाता है और वो दोनों जब उस कमरे को खोलते हैं और जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं लाइट जलने लगती है। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर अंदर है क्या। अंदर पूरा अंधेरा था। उन्हें लग रहा था कि ये एक नॉर्मल कमरा है और मैट इलेक्ट्रिसिटी वाले को बुलाने चला जाता है। उसी रात केट और मैट मिलकर वो मोमेंट को एंजॉय करते हैं और एक एक ग्लास वाइन लगाते हैं। वो दोनों भले ही मिडिल क्लास थे लेकिन वो लोग एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले थे। यहाँ पे अगले दिन केट को एक कॉल आता है जो कि एक जॉब ऑफर था। केटी को एक ट्रांसलेटर का जॉब ऑफर हुआ था और वो उसे ले लेती है। यहाँ पे मैट उसी रूम को देखता रहता है कि आखिर उसके अंदर है क्या। तभी केट उसे बताती है कि वो इलेक्ट्रिशियन आ गया है। जब वो इलेक्ट्रिशियन उस रूम में जाता है तब उस रूम में बहुत ज्यादा वायर्स लगे हुए थे। उस इलेक्ट्रिशियन ने भी ऐसा स्ट्रक्चर कभी नहीं देखा था और उसे कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है। वो मैट को बताता है कि ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अजीब है और वो जाने लगता है। जाते जाते वो इलेक्ट्रिशियन मैट को बताता है कि इस घर में जो पहले लोग रहते थे उन लोगों की मौत इसी घर में हुई है और वो इलेक्ट्रिशियन बोलकर चला जाता है। मैट ये बात से काफी ज्यादा परेशान रहता है और मैट उस घर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि जो इस घर में रहते थे उनका मर्डर हुआ था जो कि एक अननोन किलर ने किया था और वो अब जेल में है। मैट को ये बात अंदर से खाई जा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है इस घर में। वो उसी रूम में चला जाता है और फ्रस्ट्रेशन में बैठकर दारू पीने लगता है। वो पूरे नशे में था और जब दारू की बॉटल पूरी खत्म हो जाती है तब वो सोचता है कि उसके पास एक और दारू की बॉटल हो और बूम लाइट बंद चालू होने लगती है और वो देखता है कि उसके सामने एक अलग दारू की बॉटल है। वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे सुबह हो जाती है और जब केट उस रूम में जाती है तब वो देखती है कि उस रूम में बहुत सारी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हैं जो कि करोड़ों में थे और मैट पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। मैट केट को भी बताता है कि अगर तुम इस रूम में कुछ भी सोचोगे तो वो सच हो जाएगा। केट तो पहले इस बात पे विश्वास नहीं करती है और वो उसे चलने के लिए कहती है यहाँ से। तभी केट $1,000 के बारे में सोचती है और लाइट बंद चालू होने लगती है और उस रूम में $1,000 आ जाते हैं। केट को लग रहा होता है कि मैट उसके साथ कुछ मजाक कर रहा है, इसलिए वो $1,000,000 के बारे में सोचती है जो कि मैट के पास कभी नहीं था। और फिर से लाइट बंद चालू होती है और वो देखती है कि $1,000,000 उसके रूम में है जो कि सब असली है। केट को एक टाइम पे ये सब काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो मैट को इस रूम में और रहने के लिए नहीं कहती है। लेकिन मैट कैसे भी कन्विंस कर लेता है केट को इस रूम को यूज करने के लिए। अब केट और मैट मिलकर उस रूम का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। वो लोग उस रूम से कुछ भी मांग सकते थे और वो पैसों से लेकर डायमंड तक जो हो सकता था वो मांगते थे। यहाँ पे वो एक लग्जरी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं जो कि उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब करना काफी ज्यादा मजेदार होता है, ये तो आप भी जानते रहोगे। यहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे एक लग्जरी लाइफ को। उनका पूरा रूम पैसों से भर गया था। केट अपने लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस मंगवाती थी और मैट एक्सपेंसिव पेंटिंग्स मंगवाता था। वो लोग तो एस्ट्रोनॉट बनकर लो ग्रेविटी को भी फील कर लेते हैं उस रूम से। केट सोचती रहती है कि आखिर वो रूम काम कैसे करता है और आखिर वो रूम हमारे थॉट्स को कैसे रियल में कन्वर्ट कर देता है। मैट को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि ये रूम हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और हमें इसका यूज करने पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे एक दिन मैट केट को उसी रूम में लेके जाता है। वो कहता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और जब केट रूम के अंदर जाती
जाती है तो वो देखती है कि वो पूरा रूम बच्चे की नर्सरी से भर चुका है। छोटे बच्चे के खिलौने वहाँ पड़े हुए हैं और मैट कहता है कि हमें अपने बच्चे के लिए एक और बार ट्राई करना चाहिए। केट काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो मैट को मना करती है ये करने के लिए, क्योंकि केट के पहले दो बच्चे पैदा होने से पहले ही मर चुके थे और वो तीसरी बार अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। इसलिए केट का बच्चा पैदा करने से विश्वास उठ चुका था और वो मैट को इस बारे में ना सोचने के लिए कहती है। वो काफी डिप्रेस हो चुकी थी, मैट इस बारे में अब कुछ भी नहीं कर सकता था। मैट भी चला जाता है। तभी केट उस रूम में जाती है और एक बच्चे के बारे में सोचती है, और जब मैट केट से मिलने वापस आता है तब वो देखता है कि केट एक छोटे बच्चे के साथ है, और फिर उसे पता चलता है कि केट ने उस रूम से वो बच्चा मांगा। वो इस बारे में काफी ज्यादा गुस्सा होता है और केट को बताता है कि तुम्हें इस बच्चे को वापस करना ही पड़ेगा उस रूम को। पर उस बच्चे की मासूमियत को देखकर केट और मैट दोनों को हिम्मत नहीं होती उस बच्चे को वापस करने को। इसलिए मैट राजी हो जाता है उस बच्चे को रखने के लिए, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। वो बच्चा सिर्फ केट की एक सोच है जो कि रियल बन चुका है। इसी बात का पता लगाने के लिए मैट उसी जेल में जाता है जहाँ पे वो किलर रहता था जिसने घर के पहले मालिक को मार दिया था। वो उस रूम से कुछ पैसे उठाता है और जेल की तरफ चल देता है। वो जब उस आदमी से मिलता है तब वो उस रूम के बारे में पूछता है कि आखिर वो रूम काम कैसे करता है, और मैट उसे उस बच्चे के बारे में बताता है जो कि उस रूम से आया था। लेकिन वो आदमी मैट को कुछ भी नहीं बताता, जैसे कि उसने ढेर सारे राज अपने अंदर छुपा के रखे हैं। मैट गुस्से से वहां से चला जाता है और पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरवाता है। जब वो पैसे देने जाता है तब वो देखता है कि उसके जेब में पैसे नहीं है, सिर्फ कुछ डस्ट है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके पैसे डस्ट में कन्वर्ट हो गए। वो अपनी कार से जल्दी जल्दी घर जाता है और कुछ पैसे बाहर फेंक के देखता है। तभी उसे पता चलता है कि वो पैसे डस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो एक पेंटिंग को लेता है और उसका आधा हिस्सा घर के बाहर रखता है। तब वो देखता है कि उसका आधा हिस्सा जो घर के बाहर था वो डस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैट को पता चल जाता है कि वो रूम में जो कुछ भी उन लोगों ने मांगा है वो सिर्फ उसी रूम में ही वो यूज कर सकते हैं। अगर वो चीज घर के बाहर गई तो वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मैट जब उस घर की छानबीन करता है तब उसे हर जगह वायर्स दिखाई देते हैं। फ्लोर के नीचे, छत पे, सब जगह वायर्स ही वायर्स थे। और तभी केट अपने बच्चे को फ्रेश एयर दिलाने के लिए बाहर लेके जाती है। मैट केट को बाहर जाने से रोकता है क्योंकि उसे पता था कि अगर केट उस बच्चे को बाहर लेके जाएगी तो वो बच्चा डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर केट मानती नहीं और उस बच्चे को बाहर लेके जाती है। वो जैसे ही उस बच्चे को बाहर लेके जाती है वो बच्चा जलना स्टार्ट हो जाता है और उसकी एज बढ़ने लगती है। वो तुरंत अपने बच्चे को लेकर अंदर आ जाती है और वो देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा अब एक लड़का बन चुका है। केट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी मैट केट को ये सब समझाता है कि वो लोग उस रूम से जो कुछ भी मांगेंगे वो सिर्फ इस घर में ही यूज कर सकते हैं। अगर वो लोग कोई भी चीज इस घर से बाहर लेकर जाएंगे तो वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे केट अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड कि वो अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देगी। वो अपने बच्चे का नाम शॉन रखती है और इसकी सारी पढ़ाई घर में ही कराती है। यहाँ पे शॉन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसे घर के बाहर जाने की इच्छा बहुत सता रही थी। वो केट को कहता है कि उसे भी बाहर जाना है और बाहर की दुनिया देखनी है। पर केट उसे बताती है कि उसे एक बीमारी है और वो घर से बाहर नहीं जा सकता। शॉन का पूरा दिन टीवी देखने और एक कमरे में गुजरता था। केट और मैट ने मिलकर घर की खिड़की और दरवाजे को कवर कर दिया था ताकि शॉन घर के बाहर ना जा सके। लेकिन यहाँ पर शॉन काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था और उसे कैसे भी करके घर के बाहर की दुनिया देखनी थी। एक दिन शॉन कैसे भी करके उस रूम में चला जाता है जहाँ पे कुछ भी सोचने पर वो रियल हो जाता है। और शॉन ने अपनी लाइफ में खुद के घर और आसपास की चीजों के अलावा और कुछ नहीं देखा था, इसलिए वो वही सोचता रहता है और पूरी रात वो वही निकालता है। जब सुबह केट और मैट वहाँ जाकर देखते हैं तब वो देखते हैं कि उस पूरे रूम में बड़े बड़े पेड़ और बर्फ जमी है जो कि शॉन ने सोचा, और वो सब सच हो गया। केट शॉन से नाराज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मैट काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो शॉन को उस रूम से बाहर लेके जाता है और उसे इस रूम में वापस न आने के लिए कहता है। यहाँ पे केट और मैट के बीच में डिस्कशन होने लगती है कि आखिर वो उससे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। मैट केट को समझाता है कि शॉन को अभी तक पूरा नहीं पता चला है कि वो रूम कैसे काम करता है, तो अगर वो किसी के बारे में भी बुरा सोचेगा या फिर किसी भी हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो रूम उसे सच कर देगी। शॉन ये सब चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। यहाँ पे एक दिन उसी किलर का फोन आता है और वो मैट को बताता है कि वो बच्चा एक ही कीमत पर बच सकता है, कि जिसने भी उस रूम से उस बच्चे को मांगा है उसे मरना होगा, तभी शॉन उस रूम से बाहर जा सकता है। यहाँ पे उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और एक दिन शॉन चाबी लेकर घर के बाहर चला जाता है। और जब मैट और केट उसे देखने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि घर का
का दरवाजा खुला हुआ है और घर के अंदर कोई अनजान बड़ा सा लड़का है और वो शॉन ही होता है जो कि घर से बाहर निकला तो उसकी एज अचानक से बढ़ गई। उसके हाथ में एक गन होती है जिससे कि वो फायर करना स्टार्ट कर देता है और केट अनकॉन्शियस हो जाती है। वो जब उठती है तो वो मैट को देखती है कि वो सही सलामत है और वो लोग ये सब बात डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया। यहाँ पे दूसरी ओर मैट अपनी आंखें खोलता है और तभी पता चलता है कि वो मैट जो केट के साथ है वो असल में शॉन है जिसने कि अपने आप को मैट में कन्वर्ट कर लिया है उस रूम की वजह से और असली मैट उस रूम को तोड़कर बाहर निकलने लगता है। यहाँ पर शॉन जिसने कि मैट का रूप लिया था वो केट से कहता है कि हमें इसी रूम में रहना चाहिए क्योंकि इस रूम से उन्हें जो चाहे वो मिल सकता है और वो यहाँ पर खुश रहेंगे। केट को मैट के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं और शॉन केट के साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए कहता है लेकिन केट को समझ आ चुका था कि ये असली मैट नहीं है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी शॉन उसे पकड़ लेता है और उसका रेप करने का ट्राई करता है। यहाँ पे असली शॉन घर के बाहर निकलता है और वो अपने रूम में जाता है और तभी उसे पता चलता है कि शॉन ने उस रूम में एक अलग ही घर बनाया था जो कि उनके रियल लाइफ के घर के जैसा दिखता था और उसने असली मैट को उसी रूम में छुपा कर रखा था। तो मैट तुरंत दूसरी घर की तरफ भागता है जो कि उनका असली घर था। शॉन यहाँ पर उस रूम का यूज करके अलग अलग वे क्रिएट करता रहता है जिससे कि मैट फंस जाए। यहाँ पर मैट कैसे भी करके अपने रियल घर में पहुंचता है। केट शॉन से छुड़ाकर कैसे भी भाग जाती है वहां से और एक टाइम पे उसके सामने दो दो मैट आ जाते हैं और वो पहचान नहीं पाती कि असली वाला कौन सा है और तभी उसे पता चल जाता है कि असली मैट कौन है और वो उसके साथ भाग जाती है। यहाँ पर असली वाला मैट एक प्लान बनाता है जिससे कि शॉन फंस जाए और जब शॉन उसके सामने आता है तो वो केट को पकड़ लेता है लेकिन शॉन को ये पता नहीं था कि वो केट किसी पे कॉपी है और असली केट और मैट दूसरे दरवाजे से भाग जाते हैं। मैट और केट कैसे भी करके दरवाजे के पास खड़े होते हैं और मैट शॉन को अपनी तरफ बुलाता है जिससे कि शॉन उसके ऊपर गिर जाता है और वो दोनों घर के बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे घर से बाहर निकलने की वजह से शॉन का शरीर गलने लगता है और वो लोग घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। वो देखते हैं कि शॉन की एज जल्दी जल्दी बढ़ रही है और वो बूढ़ा होता जा रहा है। वो जब घर के बाहर आके देखते हैं तो शॉन काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और उसका पूरा शरीर जलने लगता है और वो पूरी तरीके से डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केट और मैट ने वो घर छोड़ दिया था और वो एक होटल में रहते थे। यहाँ पर केट ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और वो पॉजिटिव आ गया था और यहाँ पर लाइट्स एक बार फिर से बंद चालू होती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी टीम इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाती रहती है और हमारे एफर्ट्स को भी समझो और चैनल से जुड़ जाओ। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार नेक्स्ट स्टोरी में। सी या।